सब हमारे प्रसाद जी वगैरह हमारे सब कर दिया अपना, मतलब मान के चले कि फाइनल है। नहीं अपन नहीं कर, जब तक आधार ना आ जाए, लेख चिट्ठी ना आ जाए। देखिए सबसे पहले मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हमारा महाविद्यालय का क्रम पहला है जो इस प्रकार से नए विषय को लेकर के दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किए हैं। हम आप विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं उस खेल में खिलाड़ियों की मनोभावना, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कभी कभी दर्शक लोग उस ऐसा छींटाकशी कर देते हैं जिससे कि हमारे प्लेयर की या खिलाड़ी की मनोदशा चेंज हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन बॉलिंग करते समय भटक जाती है टिका टिप्पणी से ही। और वास्तव में जब तक कि प्लेयर्स पूरी तरह से एकाग्र होकर के ही अपने दिशा गति इसको संभाल नहीं पाएगा तब तक कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कभी कभी ये भी होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं तो विनर ना होकर के कभी रनर हो जाता है, कभी कांस्य पदक वाले हो जाते हैं, जबकि ओवरऑल हम लोग ये सोचते हैं कि वो इस टाइम स्वर्ण पदक लेके आएंगे। वास्तव में वहाँ की परिस्थिति कैसी है, लोगों के बीच में जब संपर्क होता है तो उसका आकलन कैसे कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा किस रूप में हो रहा है। अभी जैसे हमारे यहाँ इंडिया की टीम गई है ऑस्ट्रेलिया, कल ही हम लोग मैच देखे, आप भी देखे होंगे। अभी तक हम कहते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा, और उसकी जो फील्ड वर्क है प्लेयर के खिलाफ बोलना, प्लेयर को साइकोलॉजिकली रूप से इतना डिप्रेस कर देना कि वो अच्छा प्रदर्शन ना कर सके, खेल के मैदान में कई प्रकार के टीका टिप्पणी होना, खिलाड़ियों का आपस में मैदान में ही आपस में कई बार आप हम ऐसे परिस्थिति से वाकिफ हैं कि तो मैं की शिकायत होती है। ये एक्चुअली में यही साइकोलॉजी है। जब कोई टीम का प्लेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके प्रदर्शन को हम कैसे रोक पाए, कैसे उसको डिस्टर्ब करें ताकि हम जीत जाएं उससे। साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल, मैं तो ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि खेल जगत में साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और इसके साथ ही साथ वो वातावरण को भी, जैसे घर का, कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो बहुत सामान्य हैं, वो किसी प्रशिक्षक से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ले पाता, उनकी मनादशा टूट सी जाती है, तो घर में भी अच्छा वातावरण देने के लिए साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अभी आप देखे होंगे पेपर में, आप ही लोगों के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि जो अपंग है उसको कैसे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया गया। एक अर्जुन पुरस्कार वाला जो व्यक्ति है अपने छत्तीसगढ़ का ही, वो पथरिया ब्लॉक में गया है और जा करके खोज करके एक डिसेबल्ड व्यक्ति को ये किया और आज उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो साइकोलॉजी के कारण ही उस व्यक्ति के मनोभाव को चेंज किया गया और ये कहा गया नहीं तुम डिसेबल्ड हो लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, ये काम करो वो काम करो करके अपना रहेगा। कल कमिश्नर साहब का हमारा एक उदाहरण सुने, आप नहीं सुन पाए होंगे। एक राजा थे, उस राजा के यहाँ बहुत पहलवान बड़े राजा थे,
लेकिन दूसरे देश के राजा भिड़ेंगे और दो चार उसका उदाहरण दिए तो वो पहले कहा बीरबल ये तो गलत हो रहा है, ये पहलवान जो है हमारे सब कुछ को धराशाई कर रहे हैं, कुछ उपाय तो बताओ। कहाँ वो पहलवान रुके थे तो उसके सामने से अनाज का भंडार This is an excellent quality in a man, which enables one player to accept defeat cheerfully. Sports individuals differ in the way they are generally accepted to behave in sports situations. In general, sportsmen objective of this study for the purpose of the study following two objectives: one, public and fifth and national level women basketball players. Next, suppose this is difference in sportsman spirit between Uttar Pradesh and Chhattisgarh national level women basketball players. Next, methodology subject. Total 70 subjects in which decision is the sportsman spirit test developed by Alan Duke in 92 used as a statistical technique. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो ये सेमिनार है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चूंकि इंडिया में एक नया सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन फील्ड में। और ऐसे जैसे सेमिनार जो फिजिकल एजुकेशन फील्ड में होते हैं तो नया जानने को मिलता है कि साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फील्ड में, कि हम कैसे मेंटली एक एथलीट को ट्रेन कर सकते हैं पार्टिसिपेशन से पहले और जो पार्टिसिपेशन के बाद या ज्यूरिंग पार्टिसिपेशन जो भी स्ट्रेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी कंसर्न्स होते हैं एथलीट के मुताबिक, उनसे कैसे निपटा जाए तो इस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में डील किया जाता है। क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम शाहिद हुसैन है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल की है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गांधरबल कश्मीर से, पुलवामा जिले से हूँ कश्मीर का। इन शॉर्ट अगर हम इसका ओवरऑल निचोड़ देखें तो हम कैसे अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, ये इसका मेन मोटिव है कि हम अपने रिजल्ट्स कैसे ओवर बढ़ाए, हम कैसे उसमें ज्यादा सफलता प्राप्त करें, कैसे हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं खेल के द्वारा, ये इसका मेन विषय होता है। हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर स्पोर्ट्स थ्रू दिस साइकोलॉजी, दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स। और हम चाहते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो सेमिनार्स है थ्रू आउट इंडिया में कंडक्ट होने चाहिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर वैली में भी होने चाहिए, ताकि हमारे वहां भी जो क्लाइमेट का थोड़ा सा ये चेंज रहता है तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस पे, स्पेशली J&K के परफॉर्मेंस पे, और हम उससे कैसे बाहर निकल पाए और हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर पाए, बस ये इसका मेन निचोड़ रहता है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी मेरा नाम फिरोज अहमद वानी है, मैं श्रीनगर से हूँ, गांधरबल जिले से ताल्लुक रखता हूँ। सर इसे बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, यह ऑर्गेनाइज किया गया है बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, यह नेशनल सेमिनार है स्पोर्ट डिपार्टमेंट का, यह स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, जिससे जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स वाले जितने भी फैकल्टीज हैं वो यहाँ आके अपना जो भी थॉट है वो बोलेंगे, और जिनसे उसके अंडर में जो भी स्टूडेंट्स हैं वे इससे बहुत उनको फायदा पहुँचेगा। साइकोलॉजी में उनसे मतलब फिजिकली मेंटली उनको एडवांस करते हैं, जिससे वे आगे उनको बाहर जाने का भी मौका मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल अलग देशों में भी जाने को मिलता है वहाँ पर। और क्या लगता है क्या बेनिफिट होगा, आपने क्या सीखा, कितना इम्प्रूव होगा आपका खेल इसके बाद? इसके बाद बहुत इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पर, जैसे ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में ज़्यादा फैकल्टीज अवेलेबल नहीं हो पाते, कुछ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो ग्रामीण एरिया में ऐसा होता है कि यहाँ बच्चों को मतलब गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो यहाँ इस कॉलेज में आके वो इस चीज़ से बहुत कुछ सीखे और वहाँ जाके वो ये चीज़ फॉलो करेंगे। जैसे मेरा नाम है स्मृति उराव, मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ बिलासा गर्ल्स डिग्री। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये विषय विदेशों में काफ़ी प्रचलित है
और हमारे देश में भी विगत 3 दशकों से इस पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी महत्ता को लोगों ने समझा है, खिलाड़ियों ने समझा है, प्रशिक्षकों ने समझाया और एसोसिएशन ने समझा है, और इसमें अभी तक के रिसर्च का जो भाग था वो काफ़ी कम था, और अब इस क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य बहुत तेज़ी से अब हो रहा है। अनुसंधान जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए उस परिप्रेक्ष्य में अब कार्य प्रारंभ हुआ है, अन्यथा जो विदेशी अनुसंधान और उससे प्राप्त जो परिणाम थे उन्हीं परिणामों को मान करके हम हमारे प्रशिक्षक चला करते थे, लेकिन अब स्थितियों में परिवर्तन आया है। इफेक्टिव होगा ये प्रयास? बहुत ज़्यादा प्रयास होगा परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हमारी जो टेक्निक है, जैसा जो केवल योग की ही बात कर लें तो योग में मन के नियंत्रण और ऐसे इवेंट्स जहां पर योग से संबंधित साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर अगर हमने ध्यान दिया, क्योंकि चूंकि योग भारत का एक मूल अंग है और इससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत एडवांटेज मिलने का। आपका नाम? मैं प्रोफेसर आगाशे रायपुर से। Yeah.